नमस्कार खेडूत मित्रों, खेडूत परिवार यूट्यूब चैनल वती हूँ किशन सिंह, कृषि निष्णान आप सब खेडूत मित्रों हार्दिक स्वागत करूँ छू। खेडूत मित्रों, आज की कृषि माहिती में बात करीशू कपास की खेती में वरसाद पछी शू मवजत करवी, क्यारे खातर आपो, क्यारे पियत आपो, क्यारे आंतरखेड करवी, क्यारे दवानो स्प्रे करवो, तेना विषे विगतवार चर्चा करीशू। तो चालो बात करिए कपास की खेती विषे। छेल्ला पांच दिवस गुजरात भर में समग्र सार्वत्रिक वरसाद वरसी रह्यो छे। छेल्ला एक दिवस वातावरण थोड़ा चोख्खू जणाय छे। तो हवे खेडूत मित्रों, कपास अने मगफळी में क्या खेती कार्यो करवा तेना विषे बात करिए। तो सौ प्रथम ज्यारे खेतर में वराब थाय त्यारे तरत ज खेडूत मित्रों आंतरखेड़ करी देवी। त्यारबाद खेडूत मित्रों कपास अने मगफळीनी खेती में पूरती खातर तरीके यूरिया ने बदले एमोनियम सल्फेट वापरवो आनी पाछळ घणा बधा कारणों जवाबदार छे। तेना विषे वात करीए तो वधु भेज होवा छता एमोनियम सल्फेट खातर यूरिया खातरनी जेम जमीन में उतरशे नहीं अने पाकने लीलोछम करी देशे। एमोनियम सल्फेट में रहेलू सल्फर तत्व कपास में क्लोरोफिल वधारी कपासनी खेती में प्रकाश संश्लेषणनी क्रिया झड़पी बनावशे। तेनाथी कपासना पान खोराक झड़पी बनावशे अने कपासनो वृद्धि। एमोनियम सल्फेट खातर में बे तत्व होय छे, नाइट्रोजन 20.5% अने सल्फर 23%। तेमां जो नाइट्रोजन नी वात करिए तो आ नाइट्रोजन एमोनिकल स्वरूप में होवाथी जमीन में स्थिर रहीने पाकने पोषण आपे छे। आ एमोनिकल नाइट्रोजन हवा में उड़ी जतो नथी अने जमीन में ऊंडे उतरी जतो नथी। अने जो खेतर में पाणी भरायेलू होय तो पण आ एमोनियम सल्फेट खातर खेतर में आपी शकाय छे। एमोनियम सल्फेट खातर में आवता सल्फर 23% विषे बात करिए तो आ सल्फर पाक में सल्फर तत्वनी उणप निवारे छे अने तेलबिया पाकों जेवा के मफड़ी कपास एरंडा जेवा पाकों में तेलनी टकावारी वधारे छे अने दाणानी चमक वधारे छे। एमोनियम सल्फेट खातरना उपयोग विषे बात करिए तो डांगर घऊ मकाई वगैरह पाकों में उपयोग लई शकाय छे। कपास मगफळी एरंडा जेवा तेलबिया पाकों में पण उपयोग करी शकाय छे अने फळ अने शाकभाजी पाकों में पण गुणवत्ता वधारी शकाय छे। चोमासामां वावेतर करेला पाकने वरसाद पछी पालर पाणी आपवुं खूब जरूरी छे, कारण के वरसाद साथे पड़ेला शियारवाळुं पाणी चोमासा पाकने खूब नुकसान करे छे। आना निवारण माटे कूवा के बोरनू पाणी आपवाथी वरसाद साथे पड़ेला शियार जमीन में उतरी जशे अने चोमासा पाकने नवुं जीवन मळशे। तेथी दरेक खेडूत मित्रों ने नम्र विनंती छे के वरसाद पछी कूवा के बोरनू पाणी तरत आपी देवुं जेथी कोईपण पाकने नुकसान न थाय। तो खेडूत मित्रों आ वात हती अतिशय वरसाद पछी चोमासुं खेतीमां क्या खातरनो वपराश करो तेना विशेनी विगतवार चर्चा। तो खेडूत मित्रों आ माहिती तमारा नजीकना बीजा खेडूतोना ग्रुप सुधी पहोंचाड़जो जेथी चोमासुं खेती करता दरेक खेडूत सुधी आ माहिती पहोंचे अने तेमने पोतानी समस्यानुं निराकरण मळे। जो तमने आ माहिती सारी लागी होय तो अमारी चेनल लाइक शेर सब्सक्राइब करवानुं भूलता नहीं ने कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करीने अवश्य जणावजो। आभार।